अगर आपको अपनी वीडियो का बैकग्राउंड पसंद नहीं है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप पब्लिक को ऐसा लगाना चाहते हैं जैसे कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, या फिर आप किसी 7-स्टार होटल के लग्जरी रूम में वीडियो बना रहे हैं, तो ये आप चुटकियों में कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। इसके लिए आपको पहाड़ की चोटी पर जाने की या फिर किसी 7-स्टार होटल में जाने की जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन पर किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करके वहां पर दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप उस वीडियो को शूट करें तो बैकग्राउंड में एक सिंगल कलर होना चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो या ब्लू हो, जैसे कि ज्यादातर लोग ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं। तो पहले आप वीडियो को शूट कर लीजिए बैकग्राउंड में सिंगल कलर के साथ। इसके बाद आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन पर ओपन करिए। यहाँ आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, रेशियो यहाँ से चूज कर लेंगे 16:9 YouTube के लिए। अब यहाँ पर पहले आपको एक बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट कर लेनी है, जो भी आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं। इसके लिए आप मीडिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे रेडीमेड बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे जो कि आप फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हुआ है तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस बैकग्राउंड को मैं ले लेता हूँ, ओके करेंगे, बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद आप लेयर पर क्लिक करेंगे और जिस वीडियो के बैकग्राउंड को आप रिमूव करना चाहते हैं उसे आप इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ मीडिया पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी वीडियो रखा हुआ है जस्ट आप उसको सिलेक्ट करेंगे। वीडियो आ चुका है, अब आप यहाँ पर क्रॉपिंग पर क्लिक करेंगे जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको क्रॉप किया जा सके, और इस तरीके से यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको यहाँ पर क्रॉप कर दीजिए, ओके करेंगे, क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम फिट कर लेते हैं जिससे स्क्रीन पर बिल्कुल फिट आए। इस तरह से आप यहाँ पर इसका साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा और यहाँ पर हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है क्रोमा की का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट इसको आप इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ ग्रीन कलर शो हो रहा है, जिसको सही करने के लिए काफी सारी सेटिंग्स दी गई है। जैसे कि इसको आप जितना कम करेंगे उतना ही यहाँ पर ग्रीन कलर रिमूव होगा, और जितना आप इसको बढ़ाएंगे यहाँ पर ग्रीन कलर वापस आएगा, लेकिन इससे पिक्चर क्वालिटी पर भी इफेक्ट होता है, तो इसलिए इसको आप कम से कम ही बढ़ाइए। जैसे कि यहाँ पर हम इसको 30 रख लेते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर है, इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे, और इसके बाद यहाँ डिटेल कर्व पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कर्व दिया गया है जिससे आप इसके कलर्स को सही करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको कम कर लेते हैं जिससे यहाँ पर ग्रीन कलर रिमूव होगा, और इसको यहाँ पर थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, ओके करेंगे। इसके बाद आप वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर और भी आप कलर्स सही कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कलर फिल्टर में जाएंगे और कलर फिल्टर में जाकर के यहाँ पर काफी सारे कलर्स दिए गए हैं, जैसे कि लो सेचुरेशन है, यहाँ से आप कोई एक चूज कर लीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसको हम यहाँ पर नन रखेंगे। वापस आएंगे और यहाँ एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ी ब्राइटनेस हम इसकी बढ़ा लेंगे। अगर आप चाहें तो यहीं से कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट शो हो रहा है। अब आप बैकग्राउंड को यहाँ पर वीडियो के बिल्कुल बराबर कर लीजिए, जितनी लेंथ वीडियो की है उतना ही आप बैकग्राउंड की लेंथ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड काफी अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है और कोई भी ग्रीन कलर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोगो ऐड कर देते हैं, जिसके लिए यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी लोगो रखा हुआ है जस्ट आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लोगो यहाँ पर आ गया है, इसके साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको हम एक कॉर्नर पर फिट कर देंगे, ओके। अब यहाँ हम लोगो की लेंथ को भी बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल वीडियो के बराबर हम इसको कर देते हैं। इसके बाद इसमें आप जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं, जो भी सेटिंग्स करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। काइनमास्टर पर मैंने अलग से पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है और उसमें मैंने आपको सभी फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्वालिटी चूज कर लेंगे, जो कि आप FHD 1080 पिक्सल रखिए, फ्रेम रेट यहाँ पर 30 रखिए, और यहाँ से आप लो या हाई कर सकते हैं। जितना आप हाई करेंगे उतना ही यहाँ पर वीडियो का साइज बढ़ेगा। इसके बाद आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो के बैकग्राउंड को हमने काफी अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है और यहाँ पर हमने एक दूसरा बैकग्राउंड लगा दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करके उसके पीछे कोई भी दूसरा बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, चाहे वो हिल्स का हो, लग्जरी रूम हो, या किसी भी चीज की इमेज हो, वो आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।